इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक है नाउन, और अभी भी अगर आपको नाउन में कोई भी कंफ्यूजन है, इसके प्रकार में कंफ्यूजन है, इसकी डिफिनेशन में कंफ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाउन कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी क्या एग्जाम्पल है और उनको हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं। वेलकम टू केकेट पालिस इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम, इट्स वेरी इफेक्टिव एंड इजी टू लर्न। प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, नाउन किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के नाम को बोलते हैं। शॉर्ट में बोले, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन और एनी थिंग। इसको और संक्षिप्त में समझे तो नाउन नेम है, नाउन नाम है, और नाम को ही हम इंग्लिश की भाषा में नाउन बोलते हैं। देखते हैं नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, और चौथा है मटेरियल नाउन, पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एक करके अब हम इन नाउन को पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि एक नाउन दूसरे नाउन से कैसे डिफरेंस है। फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। जैसा कि इसके नाम से हमको पता चल रहा है, प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं, तब ये होगा आपका प्रॉपर नाउन। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर, यहां पर है रीता, हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर सिटी, जस्ट लाइक दिल्ली, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। ओके, सेकेंड वन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हम बात करते हैं पूरी कैटेगरी की, एक कॉमन कैटेगरी की बात करते हैं, एक कॉमन क्लास की बात करते हैं, वहां पर ये होगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है? प्रॉपर नाउन में हम एक पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, जबकि कॉमन नाउन में हम पूरे एक क्लास की बात करते हैं। यदि हम प्रॉपर नाउन में एक पर्सन की बात करते हैं पर्टिकुलर रीता की, तो हम कॉमन नाउन में पूरे गर्ल्स कैटेगरी की बात करेंगे, गर्ल्स, पूरे एक कैटेगरी की बात करेंगे, वुमेन, पूरे एक कैटेगरी की बात करेंगे, मैन, पूरे एक कैटेगरी की बात करेंगे, सिटी। तो ये डिफरेंस है, यहाँ ये प्रॉपर है यानी एक पर्टिकुलर है, और यहाँ पर कॉमन टोटल कैटेगरी की बात करते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इसमें आप प्लीज कंफ्यूज मत हो। तीसरा है कलेक्टिव। जब हम कलेक्शन करते हैं चीजों का या व्यक्तियों का, वो इकट्ठे होते हैं एक साथ, तो उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वो जो वर्ड यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। सपोज दैट हमने कुछ चीजों को इकट्ठा किया, कलेक्शन, हमने कुछ चीजों को कलेक्ट किया। आप मार्केट में जाते हैं, बनाना लेके आते हैं, बनाना एक गुच्छे में होता है, एक कलेक्शन में होता है, उसको हम बोलेंगे बंच ऑफ बनाना। आप घर की चाबियां रखते हैं, एक साथ रखते हैं, उस टोटल कलेक्शन को हम बोलेंगे बंच ऑफ कीज। ढेर सारे प्लेयर एक साथ खेलते हैं, उनको मिलाकर के एक बनती है टीम, तो टीम है एक कलेक्टिव नाउन। सड़क पे कुछ हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको कलेक्टिव वे में हम बोलते हैं मोब, लोगों की भीड़। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ द थिंग्स, कलेक्शन ऑफ द पर्सन, ये आपका बोला जाएगा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसमें हम चीजों की बात करते हैं, थिंग्स की बात करते हैं, ऐसे थिंग्स जिनसे चीजों को बनाया जाता है, एक प्रकार से हम बोले नॉन लिविंग थिंग्स,
Non-living things like gold, wood. They are very common and they are very simple material noun. Next है abstract noun. Abstract noun ये physically नहीं होते हैं. ये abstract, abstract मतलब होता है कि जो चीज physically नहीं होती, जिसको हम touch नहीं कर सकते हैं. यहाँ पर example है qualities. यहाँ पर example है states. यहाँ पर example है feeling. यानी किसी भी चीज की जब हम qualities की बात करते हैं, उनका नाम. यहाँ पर confuse मत होइएगा. Qualities का नाम, स्टेट अवस्था का नाम, फीलिंग्स उस फीलिंग्स का नाम, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं. एग्जांपल के तौर पे हम बात कर सकते हैं ऑनेस्टी ईमानदारी, काइंडनेस दयालुता, गुडनेस अच्छाई, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आए. तो उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, सो प्लीज आप अपना क्वेश्चन, अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें. आगे जितने भी बेसिक ग्रामर्स के पोर्शन हैं उस पर वीडियो बनती रहेंगी. सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.